Yes, my dear students, good morning. I hope you all are fine at your end. I welcome you all in the sociology class. Yes, beta, today we are going to discuss our next chapter. What is the name of the chapter? It is chapter number 3 of your book. And name of the chapter is Social Institutions, Continuity and Change. Students, you have learnt about the social institution in your plus one class also, isn't it? You have learned regarding the family, school, the peer group. All these are social institutions which play an important role in the development and growth of an individual. Okay. Today we are going to discuss the social institution, how the change occurs in the social institution with the passage of time. Because change is the rule of the world. Hana? We will discuss in this chapter. Okay. How change affect the caste and the caste system, how according to caste and caste system social institution change, we all these things we will discuss in this chapter. Okay, let's start. Caste and the caste system. A population is made up of interrelated classes and communities. अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करते हैं बेटा तो इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो मिलजुल के रहती है ठीक है सोसाइटी इज अ ग्रुप So many people reside there, okay, and they belong to different communities. These are sustained and regulated by social institution and social relationships. और इनको control कौन करता है different communities को social institutions control करते हैं और social relationships control करते हैं, ठीक है? Three institution caste, tribe and family are central to Indian society. अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो वहां पे तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो फैमिली एक कास्ट और एक ट्राइब ठीक है जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है वो इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं कास्ट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर अगर हम कास्ट की बात करते हैं बेटा तो रियल टाइम में जैसे हम बात करते हैं तो वहां पे कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड था ठीक है और आज उतना रिजिड नहीं है पर अभी भी हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम प्रिवेलिंग है तो कास्ट सिस्टम जो है हमारी सोसाइटी में थाउजेंड ऑफ इयर्स से प्रिवेलिंग है ठीक है आगे हम डेफिनेशन अगर लेते हैं कास्ट की कास्ट इज एन इंग्लिश वर्ड कास्ट कौन सा वर्ड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कास्ट एक इंग्लिश वर्ड है इज डिराइव्ड फ्रॉम ए पोर्टुगीज वर्ड कास्टा कास्ट जो इंग्लिश वर्ड है बेटे एक पोर्टुगीज वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है कास्टा और उसका मीनिंग है प्योर ब्रीड कि जो प्योर ब्रीड है दीज आर रिलेटेड टू कास्ट In Indian language, it is referred to two distinct term, वर्ण और जाति पर अगर Indian language की बात करें हिंदी language की बात करें तो caste को दो अलग नेम दिए गए हैं एक है वर्ण और दूसरा है जाति ठीक है अब वर्ण और जाति क्या है ठीक है वर्ण और जाति क्या है इसके बारे में देखेंगे हम वर्ण which literally means color, refers is a fourfold division of society into hierarchical order. ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र इट इज एन ऑल इंडिया एग्रीगेटेड क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे बेटे क्या कहा जा रहा है कि वर्ण का मतलब इंडियन सोसाइटी में क्या है कलर ठीक है और इसमें क्या है कि हायरार्कियल ऑर्डर में जो हमारी कास्ट है वो फोर पार्ट्स में डिवाइड करी गई है ठीक है जैसे सबसे ऊपर अपर कास्ट किसको कहा गया ब्राह्मण को सेकंड नंबर पे किसको कहा गया क्षत्रिय थर्ड नंबर पे वैश्य फोर्थ नंबर पे शूद्र जिनको हम अनटचेबल्स भी कहते थे एट दैट टाइम ठीक है तो हमारी सोसाइटी जो है हायरार्कियल ऑर्डर में फोर पार्ट्स में डिवाइड करी गई है ठीक है अगर हम इसको हम कहते हैं वर्ण ये तो वर्ण हो गया कि वर्ण सिस्टम है अगर वर्ण सिस्टम आ गया तो भी आपने हायरार्कियल सिस्टम में यही चार जो कास्ट है इनको डिस्क्राइब करना है ठीक है आगे हमारा आ गया जाति अब जाति क्या है जाति इज अ रीजनल और लोकल सब क्लासिफिकेशन टर्म्स कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ कास्ट अब जाति में बहुत सारी कास्ट है हंड्रेड और थाउजेंड ऑफ कास्ट है सब कास्ट है इट इज जेनरिक टर्म रेफरिंग स्पीशीज और काइंड ऑफ एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स टू प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग अब जाति क्या है एक रीजनल और लोकल क्लासिफिकेशन है ठीक है जिसमें बहुत सारी कास्ट आती है हंड्रेड और थाउजेंड कास्ट आती है जाति के अंदर और कास्ट की भी सब कास्ट आती है ठीक है ये जेनरिक टर्म है जिसका मतलब है स्पीशीज ठीक है और काइंड्स ऑफ एनीथिंग जिसमें इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से लेके जैसे प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स तक आते हैं ठीक है तो इसको हम कहते हैं जाति बच्चों आपको अब ये कास्ट का मीनिंग क्या है ये भी अच्छे से पता होना चाहिए कि कास्ट क्या है कास्ट एक इंग्लिश वर्ड है जो पोर्तुगीज
वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है, मतलब कास्टा वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है प्योर ब्रीड, ठीक है। और हिंदी में कास्ट को हम दो वर्ड्स में लेते हैं, एक तो है वर्ण और एक है जाति। वर्ण का मतलब क्या, वर्ण सिस्टम जिसमें हायरार्की एंड ऑर्डर में हमारे कास्ट को फोर पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। जाति में बहुत सारी कास्ट आती है, सब कास्ट आ जाती है, इसमें इनएनिमेट चीजों से लेके एनिमेट चीज हम इंक्लूड करते हैं, इट इज ऑल अबाउट जाति। आगे हम बात करते हैं वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड की, कि वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड में क्या था, है ना, कास्ट सिस्टम का क्या अरेंजमेंट था, ठीक है, क्या सिनेरियो था। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द कास्ट सिस्टम वॉज इलैबोरेट वेरी रिजिड और डिटरमाइंड बाय बर्थ। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कास्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा रिजिड था बेटा, ठीक है। बाय बर्थ जो बंदे की कास्ट होती थी वही उसकी मतलब कास्ट मानी जाती थी। पर आजकल हम जो बात करते हैं स्टेटस, जैसे हम कहते हैं कि अचीव्ड स्टेटस है और एस्क्राइब्ड स्टेटस है, कि जो स्टेटस बाय बर्थ होता है वो एस्क्राइब्ड स्टेटस है, और जो बाय हार्डवर्क बंदा अचीव करता है सोसाइटी में अचीव्ड स्टेटस उसको कहते हैं। पर पुराने टाइम में वैदिक पीरियड में ऐसा नहीं था कि बाय बर्थ जो कास्ट है उसकी वही कास्ट मानी जाती थी। ये भी माना जाता था कि वो पर्सन वो उसी प्रोफेशन को अचीव करेगा कि उसका फैमिली का जो प्रोफेशन, ठीक है। और बहुत ज्यादा रिजिड था, इलेबोरेट था, मतलब बहुत बड़े लेवल पे वैदिक सिस्टम में जो कास्ट सिस्टम था वो प्रिवेल था। अगर हम पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करते हैं, इट बिकेम वेरी रिजिड विद सर्टेन डिफाइनिंग फीचर्स, तो उसमें में और भी ज्यादा रिजिड हो गया, सच एज कास्ट बीइंग डिटरमाइंड बाय बर्थ, मेंबरशिप ऑफ कास्ट एडहेरिंग टू स्ट्रिक्ट रूल ऑफ मैरिज। यहाँ पे भी जो कास्ट थी बाय बर्थ डिटरमाइन होती थी, और मैरिजेस में भी कास्ट के रिलेटेड बहुत मतलब स्ट्रिक्ट रूल थे कि इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं थी अलाउड, ठीक है। रूल्स रिगार्डिंग फूड एंड अदर थिंग्स, फूड एंड फूड शेयरिंग, कास्ट बीइंग ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशंस एंड इट बीइंग अरेंज्ड इन हायरार्की ऑफ रैंक एंड स्टेटस। मतलब यहाँ पे भी जैसे वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशन से रिलेटेड थी कास्ट, यहाँ पे भी वही सिस्टम था, ठीक है, और हायरार्कियल सिस्टम यहाँ पे भी प्रिवेलिंग था, ठीक है। तो पोस्ट पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम था हम ये देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा रिजिड था, ठीक है। उसमें मतलब पूरी तरह से कास्ट सिस्टम को फॉलो करा जाता था सोसाइटी में कि ये सुपीरियर कास्ट है, ये इंफीरियर कास्ट है, ठीक है जी। ओके बेटा, अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कास्ट सिस्टम क्या था, जाति क्या है, वर्ण क्या है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।